सो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस बेहतरीन चैनल पर जिसका नाम है फर्स्ट एक्सप्लेन। और गाइस, मैं फाइनली एक और बेहतरीन मूवी आपके लिए लेके आ चुका हूँ जिसके IMDb रेटिंग भले ही कम है लेकिन ये मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं करती है। साथ ही साथ इसके जो ब्रूटल सीन है वो भी काफी अच्छे से मैनेज करे हुए हैं। लो बजट मूवी होने के बावजूद इस मूवी ने काफी अच्छा एंटरटेनमेंट दिया मुझे, और आगे तो मैं आपको मूवी में बताऊंगा ही, साथ ही साथ एंड तक जरूर बने रहें। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि हम 150 सब्सक्राइबर जल्दी हिट कर लें। और गाइस, मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो लेट है। अब हर बार वीडियो लेट इसलिए हो जाती है कुछ ना कुछ कारण के वजह से, आपको पता है कि, लेकिन मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और अभी तो मैं सेटअप वगैरह अपने घर पे बनवा रहा हूं जिस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है और नॉइस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं उस सबको सही करवा दूंगा। जब तक के लिए आप एंड तक बने रहें, और चलिए चलते हैं सीधा मूवी के प्लॉट की तरफ। कहानी के शुरुआत में एक मिशिगन नाम के एक छोटे टाउन से होती है जहाँ पर हम इस मेंटेनेंस वर्कर को देखते हैं जो कि इस लेक को चेक करने आया होता है, और ये देखता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा संख्या में लैम्प्रेस हैं। उसके बाद वो एक लैम्प्रेस को अपने हाथ में उठा लेता है, और ये लैम्प्रेस किलर लैम्प्रेस होती है, और इस आदमी पर बहुत सारी लैम्प्रेस हमला कर देती हैं और ये आदमी यहाँ पर मारा जाता है। अब सीन माइकल पर आता है जो कि फिश एंड वाइल्ड का ऑफिसर होता है, और ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर समर वैकेशन के लिए आया होता है। इस फैमिली में होते हैं वाइफ कारा, एक बेटी निकोल और एक छोटा बेटा काइल। फिर इन तीनों में बातचीत होती है। अब माइकल को इसके डिपार्टमेंट से कॉल आता है और उसको पास के एक डैम को चेक करने के लिए बोला जाता है। फिर ये यहाँ पे से छोटा लड़का काइल हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने एक फिश को पकड़ा होता है, और यहाँ पे माइकल देखता है कि इस फिश के ऊपर एक लैम्प्रेस लगी है जो इस फिश को खा रही होती है। उसके बाद सीन पास की एक नदी पर आता है जहाँ पर ये आदमी कुछ फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी एक लैम्प्रेस नदी से बाहर कूद के इस आदमी की आँख में घुस जाती है, और जब उसको वो बाहर निकाल रहा होता है तब उसके साथ ही साथ उसकी आंख भी बाहर आ जाती है और उसका डॉग वहाँ से भाग जाता है। अब सीन इन दोनों पे आता है जहाँ पे माइकल इस फिश पे से लैम्प्रेस को अलग कर रहा होता है, और काइल यहाँ पे इस लैम्प्रेस को एक पेट के तौर पे रखता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एलन होता है, और ये तीनों आपस में बातचीत करते हैं। अब सीन माइकल पे आता है जहाँ वो ये देख रहे होते हैं कि लैम्प्रेस की संख्या कितनी है, और ये तीनों आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। तब यहाँ पर सिटी का मेयर आ जाता है और वो इन तीनों को बोलता है कि वो लैम्प्रेस को जल्दी से ख़त्म कर ले। और तभी सीन बीच पे आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि निकोल अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही होती है, और यहाँ पे काइल भी होता है, और उसके पास वही डॉग आ जाता है जो कि पहले उस आदमी के पास था, और फिर ये दोनों खेलने लगते हैं, और यहाँ पे डॉग बार बार पानी के अंदर जाने लगता है जिस वजह से लैम्प्रेस हमला कर देती है और वो डॉग वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद जब काइल की बहन पानी से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके पैरों पे ब्लड लगा हुआ है, और वो इसे देख के काफ़ी डर जाती है, और काइल बताता है कि ये तो फिश ब्लड है। और ये देख कर सबके सब पानी से बाहर भागने लगते हैं, और यहाँ पे कुछ लोगों पर ये लैम्प्रेस हमला करके उन्हें मार देती है। फिर सीन निकोल पर आता है जहाँ अपने डैड को वो कॉल करके ये सब कुछ बता देती है। उसके बाद माइकल अपने एक कोवर्कर को जांच के लिए भेजता है, और जब वो अपनी बोट में बैठा हुआ होता है तो वो वहाँ पे लैम्प्रेस की संख्या को गिन रहा होता है। उसके बाद वो अपनी एक बियर को खोलता है, और बियर को खोलने का जब वो पानी की तरफ अपना हाथ करता है तो लैम्प्रेस उसके हाथ पे हमला कर देती हैं, और देखते ही देखते कई सारी लैम्प्रेस इस पर हमला करके इसको मार देती हैं। अब हम इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं, और तभी इनको अपने वर्कर की बोट दिखती है, और जब ये लोग उस बोट को चेक कर रहे होते हैं तो लैम्प्रेस इन दोनों पर हमला कर देती हैं। फिर ये दोनों जैसे ऐसे करके इनसे अपना पीछा छुड़वाते हुए भागते हैं। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि इनके साथी की बॉडी मिल गई है, और उसके बाद माइकल इस डॉक्टर को कॉल करके उस बॉडी से दूर रहने के लिए बोलता है, और तभी इस कोवर्कर की बॉडी में से कई सारी लैम्प्रेस बाहर आ जाती हैं और वो इस डॉक्टर को मार देती हैं, और ये लोग बस इसकी दर्द भरी चीखें फोन पे सुन रहे होते हैं। अब सीन इन तीनों पे आता है जहां मेयर को ये सब कुछ बता देते हैं कि लैम्प्रेस कैसे शहर के पानी के अंदर घुस गई हैं, और ये बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस शहर में जा रहे पानी के पाइपलाइन को बंद करना होगा, और लोगों को भी बीच पे जाने से मना करना होगा, लेकिन मेयर ये सब करने से मना कर देता है। उसके बाद माइकल अपने घर जाकर उस लैम्प्रेस को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको वो लैम्प्रेस नहीं मिलती है, और वो अपने बेटे से पूछता है तो वो बेटा उसका झूठ बोल देता है कि उसने लैम्प्रेस को पहले ही मार दिया है। उसके बाद वो निकोल के रूम में जाता है तो देखता है कि एडम उसकी बेटी के साथ उसके कमरे में बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये काफी गुस्सा होता है। उसके बाद एडम को वो वहां से भगा देता है जिस वजह से निकोल काफी रोने लगती है। माइकल बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द शहर छोड़कर जाना होगा, और वो तुम लोग जल्द से अपना सामान पैक कर लो। उसके बाद निकोल अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि वो अपने डैड
डैड के साथ नहीं जा रही है। और तभी एडम को उसके पड़ोसन का कॉल आता है और वो बोलती है कि उसके स्विमिंग पूल में कुछ दिक्कत आ रही है, और एडम उसके पूल को सही करने के लिए मान जाता है। उसके बाद वो निकोल को बोलता है कि वो उसको लेने के लिए उसके घर पर आ रहा है। उसके बाद सीन इनके पूल में आता है जहाँ ये दोनों इन्जॉय कर रहे होते हैं, और तभी निकोल की माँ उसको उसके कमरे में देखने के लिए जाती है और निकोल वहाँ पर उसे नहीं मिलती है, और वो सोचती है कि निकोल कहाँ पर गई होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि लैम्प्रेस इसकी पड़ोसन पे हमला कर चुकी है और उसे बहुत बुरी तरीके से खा रही होती हैं, और ये दोनों ये देखकर इस पूल से भाग जाते हैं। और जब वो उस बॉडी को बाहर निकालते हैं तो वो बॉडी वापस से पूल के अंदर गिर जाती है और लैम्प्रेस इसको बहुत बुरी तरीके से खा जाती हैं। उसके बाद सीन काइल पे आता है जहाँ वो बीच पे अपनी लैम्प्रेस को पानी में छोड़ने के लिए आया होता है, और वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे दो लाशें पड़ी हुई हैं और वो वहाँ से डर के भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैम्प्रेस अब सड़कों पे भी आ गई हैं और वो साथ ही साथ घर के नालों में भी हैं, और ये सब पर हमला कर देती हैं। और माइकल यहाँ पे रिपोर्टर को बुलाकर सब कुछ बता देता है और बोलता है कि पानी और बीच से दूर रहें। उसके बाद बच्चे पे आता है जहाँ वो देखता है कि उसके बाथरूम के अंदर हर जगह पे लैम्प्रेस हैं, और वो इनसे बचने के लिए कमरे में छुप जाता है। और अब सीन मेयर के पास आता है जहाँ लैम्प्रेस उसके पीछे से घुस जाती हैं और यहाँ पर मेयर भी मारा जाता है। उसके बाद सीन माइकल पे आता है जहाँ वो मेयर से मिलने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी उनके अपने एक साथी का कॉल आता है और लैम्प्रेस उसको भी मार देती हैं। और वहीं निकोल अपने घर में पहुंचती है, और निकोल की माँ बाथरूम में बंद होती है। जैसे तैसे करके निकोल अपनी माँ को बचाती है और वो दोनों घर से बाहर आते हैं, और तभी उनको पता चलता है कि काइल भी अपने कमरे में बंद है। उसके बाद निकोल की माँ निकोल को एक कमरे में सेफली बंद करके अपने बेटे को लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद सीन इन दोनों पे आता है जहाँ ये मेयर के कमरे में मेयर को मरा हुआ देखते हैं, और तभी उन पे कई सारी लैम्प्रेस हमला कर देती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, और वो लोग माइकल के घर बच्चों को लेने के लिए पहुँचते हैं। और तभी यहाँ पे एडम आ जाता है, और तभी काइल यहाँ पर चिल्लाने लगता है, और काइल आवाज़ देता है कि ये सब मिलकर काइल को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और दूसरी तरफ नल में से लैम्प्रेस बाहर निकलने लगती है, तो माइकल का साथी उसको रोकने की कोशिश करने लगता है और एडम भी इसकी मदद करने लग जाता है। फिर इन लोगों को एक सीढ़ी मिल जाती है, जिस वजह से निकोल की जो माँ होती है वो सीढ़ी को लगाकर अपने बेटे को बचाने के लिए ऊपर चली जाती है, और वो जब अपने बेटे को नीचे ला रही होती है तो वो सेफली तो आ जाता है, लेकिन एक लैम्प्रेस उसकी माँ पे हमला कर देती है जिस वजह से वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से इनको चोट लग जाती है। और ये लोग जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तब उन्हें वहाँ पे एक बिजली का प्लांट दिखाई देता है, और वो लोग वहाँ पर बैठकर अब एक प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे वो लैम्प्रेस को मारेंगे। फिर माइकल बोलता है कि वो लोग मरी हुई लैम्प्रेस का दिल निकालकर उनको अपने ऊपर आकर्षित करेंगे ताकि लैम्प्रेस उनके बिजली प्लांट के अंदर एंटर हो और ये बिजली के शॉक से उन लोगों को मार दें। उसके बाद ये लोग इस प्लांट में जाकर लैम्प्रेस को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और ऐसा करने में माइकल का साथी लैम्प्रेस द्वारा मारा जाता है, और वो इसी दौरान माइकल की फैमिली बिजली को चालू करके इन सभी लैम्प्रेस को मार देती है। उसके बाद सीन अब इन सब पे आता है जो कि अपनी छुट्टी मनाने के लिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ खड़े होकर पानी पी रहा होता है, और वहाँ पर तभी वही कुत्ता आ जाता है, यानी कि ये कुत्ता कभी भी मरता नहीं, हर बार बच जाता है। उसके बाद ये सब इस कुत्ते को अपने साथ में लेकर अपनी कार से चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि जो बंदा यहाँ पे खड़े होकर पानी पी रहा था उस पर लैम्प्रेस हमला कर देती है, और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज, यही थी ये वाली मूवी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे काफ़ी इफेक्ट लगता है इस वीडियोस को बनाने में। और गाइज, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि गाइज, मैं ना सारे जॉनर की मूवीज़ कवर करना चाहता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम वीडियो पे जो व्यूज़ आए ना, मैंने ये सोचा था कि मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन और यूनिक मूवी लाऊंगा, बट मुझे लगता नहीं कि आज ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब के सर्च इंजन में भी लोग इस मूवीज़ को सर्च नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी मूवीज़ लाऊंगा जिनकी हाइप हो ज़्यादा, ताकि आप लोगों को देखने में भी मज़ा आए और मेरा भी थोड़ा सा ग्रो हो सके। अब प्लीज़, अगर आप नए हैं, लिटरली आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जल्द से जल्द अपने चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकूं और मैं अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सप्लेन।